सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के जरिए में हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कल कैसे रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैंने आज के लिए जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया, चलिए फर्स्ट उसके बारे में जान लेते हैं। तो जानने के लिए मैंने इसी वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला स्क्रीन पे एशियन पेंट को सेल के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे हमको 1328 पे सेल करना था, स्टॉप लॉस था 1335, पहला टारगेट 1319 और सेकेंड टारगेट 1314 था। तो चलिए दोस्तों, ये एशियन पेंट का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि एशियन पेंट कैसे परफॉर्म किया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। मैंने एशियन पेंट का शेयर पे सेल के लिए बताया था, लेकिन अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे, इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 1323 से लेकर 1331 के अंदर मूव किया है, और देखिए इसके बाद ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर और इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड किया है। दोस्तों, ये पहला 5 मिनट का कैंडल को ये क्रॉस करके आज दिन भर नीचे नहीं गया है, तो रूल के हिसाब से हमको एशियन पेंट पर आज एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने बजाज ऑटो को बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे हमको 2777 पे बाय करना था, स्टॉप लॉस था 2757, पहला टारगेट 2797 और सेकेंड टारगेट 2807 था। तो चलिए दोस्तों, बजाज ऑटो का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि बजाज ऑटो आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाय के लिए बताया था, लेकिन इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल का रेंज है ये 2757 से लेकर 2746 के अंदर मूव किया, और इसके बाद देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा। तो ये 11 बजे के अंदर ये इसी रेंज को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है। तो दोस्तों, ये बजाज ऑटो पे हमको बाइंग करने के लिए एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे यहाँ पे बजाज फिनसर पे मैंने बाय के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे हमको 6077 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस था 6032, पहला टारगेट 6140 और सेकेंड टारगेट 6170 था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व पे भी आज सेलिंग आया है, क्योंकि इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल ये दिन भर इसी पहला 5 मिनट का कैंडल का नीचे ही ट्रेड किया है, तो रूल के हिसाब से ये बजाज फिनसर्व पे भी आज हमारा एंट्री नहीं आया। दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक पे रूल के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग किए होते तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ होता, लेकिन मैंने यहाँ पे बाय के लिए बताया था, तो रूल के हिसाब से यहाँ पे हमारा बाइंग नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने BPCL को बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 335 पे बाय करना था, स्टॉप लॉस था 332, पहला टारगेट 339 और सेकेंड टारगेट 341 था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे BPCL का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि BPCL कैसे परफॉर्म किया। देखिए, यहाँ पे इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये ऑलमोस्ट 330 से लेकर 333 के आसपास मूव किया था, तो ये 2-3 पॉइंट के आसपास मूव करने के बाद ये इसका सेकेंड कैंडल पे इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया। तो अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री लेंगे तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो पहला टारगेट 339 और सेकेंड टारगेट 341 के आसपास रहेगा। आज ये जो हाई बनाया है, देखिए 338.33 के आसपास हाई बनाने के बाद ये वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा तो अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे नुकसान होगा, अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा मुनाफा होगा। तो दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप ये जो कैंडल क्लोज हुआ था आप इसी लेवल के आसपास एंट्री किए थे, तो अगर आप रूल के हिसाब से इसी लेवल पे एंट्री करते हो तो आपको ये ट्रेड पे नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने सिप्ला पे बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 549 पे बाय करना था, स्टॉप लॉस था 545, पहला टारगेट 554 और सेकेंड टारगेट 557 था। दोस्तों, यहाँ पे सिप्ला का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि आज सिप्ला कैसे परफॉर्म किया।
दोस्तों अगर आप सिप्ला का पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, देखिए ये बहुत बड़ा बियरिश का कैंडल बनाया था और इसके बाद इसी लेवल से धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। तो ये 10 बजे के आसपास ये लेवल को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो रूल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो देखिए आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे सिप्ला पे बाय के लिए बताया था, तो रूल के हिसाब से यहाँ पे बाय करने के लिए एंट्री नहीं आया। तो दोस्तों मैं आज जो 5 स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया था वो 5 स्क्रिप्ट पे आज 4 स्क्रिप्ट पे एंट्री नहीं आया। मैंने बाय के लिए बताया था लेकिन वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आया था। अगर आप रूल के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग किए होते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन दोस्तों मैंने बाय के लिए बताया था इसीलिए 4 स्क्रिप्ट पे एंट्री नहीं आया। लेकिन 1 स्क्रिप्ट पे एंट्री आया था, वो फास्ट टारगेट के आसपास जाके फिर वापस उसी लेवल से नीचे की तरफ आ गया। तो अगर आप वो स्टॉक पे एंट्री किए होते तो आपको छोटा सा नुकसान होता। दोस्तों ये था 5 स्क्रिप्ट का रिजल्ट। चलिए अभी निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर आज कैसे परफॉर्म किए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए निफ्टी फ्यूचर को मैंने बाय के लिए बताया था 10,900 पे, स्टॉप लॉस था 10,855, पहला टारगेट 10,950 और सेकेंड टारगेट 10,975 था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट के हिसाब से ये आज गैप डाउन ओपनिंग दिया था और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद ये देखिए जो पहला 5 मिनट का कैंडल बना ये 10,868 से लेकर 10,844 के अंदर इसी लेवल के आसपास मूवमेंट दिया। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे ट्रेड करने लगा। तो रूल के हिसाब से आज हमको निफ्टी फ्यूचर पे बाय करने के लिए एंट्री नहीं आया। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मैंने 26,800 पे बाय के लिए बताया था, तो स्टॉप लॉस था 26,730, पहला टारगेट 26,900 और सेकेंड टारगेट 27,000 था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे भी आज गैप डाउन ओपनिंग दिया था और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद ये जो पहला 5 मिनट के कैंडल का जो हाई है ये हाई का नीचे ही आज दिन भर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों इसीलिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे भी रूल के हिसाब से आज एंट्री नहीं आया। तो दोस्तों आज हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों पे रूल के हिसाब से एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जानने से पहले मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने एक इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप शुरू किया है और इसी ग्रुप में हर रोज 2 स्टॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों आज मैंने जो 2 स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने जो 2 स्टॉक दिया था वहाँ पे कोटक बैंक को सेल के लिए बताया था और HDFC बैंक को बाय के लिए बताया था। तो दोस्तों कोटक बैंक का सेल था 1206 पे, स्टॉप लॉस था 1212 और जो टारगेट था 1195। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोटक बैंक का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आज कोटक बैंक कैसे परफॉर्म किया। मैंने 1206 लेबुल के आसपास सेल के लिए बताया था, 1206 का लेबुल आ रहा है ये लेबुल के आसपास। तो दोस्तों इसी लेबुल पे सेल के लिए बताया था और जो स्टॉप लॉस था 1212 लेबुल पे, ये लेबुल पे। तो देखिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। जब ये वापस ऊपर की तरफ आने की सिग्नल दे रहा था मैंने इसी लेबुल के आसपास मेरा ग्रुप पे लॉस बुक करने के लिए बता दिया था। मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया था कोटक बैंक पे आपका जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर देने के लिए। तो ये कोटक बैंक ऊपर की तरफ आने लगा इसीलिए हमको आज पेड सर्विस ग्रुप पे लॉस बुक करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों सेकेंड स्क्रिप्ट पे मैंने HDFC बैंक को बाय के लिए बताया था, तो 2093 पे बाय करना था, स्टॉप लॉस था 2087 और जो टारगेट था 2105। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 2093 के आसपास इसी लेवल के आसपास बाय करने के लिए बताया था और जो स्टॉप लॉस था 2087 के आसपास और टारगेट था 2105। 2105 का जो लेवल है ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये एंट्री जो आया, एंट्री आया था 2093 लेवल पे, ये लेवल के आसपास एंट्री आया था। तो देखिए एंट्री आने के बाद बहुत तेजी से जाकर ये टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों ये HDFC बैंक पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है
और ये कोटक बैंक पे हमको लॉस बुक करना पड़ा। तो दोस्तों ये था आज का पेड सर्विस का रिजल्ट। अगर आपको पेड सर्विस ग्रुप पे ज्वाइन करना है, मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने पहला स्क्रिप्ट पे एक्सिस बैंक को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 614 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 618, पहला टारगेट 609 और सेकेंड टारगेट 606 रखना है। दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 617 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 621, पहला टारगेट 612 और सेकेंड टारगेट 609 रखिए। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने इचर मोटर को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 22710 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 22910, पहला टारगेट 22510 और सेकेंड टारगेट 22310 रहेगा। दोस्तों अगर इचर मोटर का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 22910 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 23010, पहला टारगेट 22710 और सेकेंड टारगेट 22510 रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने ग्रासिम को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 818 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 825, पहला टारगेट 808 और सेकेंड टारगेट 803 रखिए। दोस्तों अगर आप ग्रासिम का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 820 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 827 रहेगा, पहला टारगेट 810 और सेकेंड टारगेट 805 रखिए। दोस्तों ये था स्क्रिप्ट थ्री के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने SCLTech को बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 1054 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1044, पहला टारगेट 1065 और सेकेंड टारगेट 1074। दोस्तों अगर आप SCLTech का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 1055 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 1044 रहेगा, पहला टारगेट 1065 और सेकेंड टारगेट 1074 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने इंडसइंड बैंक को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1593 पे सेल करना है, स्टॉप लॉस आपका 1607 रहेगा, पहला टारगेट 1575 और सेकेंड टारगेट 1565 रखिए। अगर आप इंडसइंड का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 1601 पे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 1615 रहेगा, पहला टारगेट 1583 और सेकेंड टारगेट 1573 रखिए। दोस्तों ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और मैंने ये पांच स्क्रिप्ट पे चार स्क्रिप्ट पे सेल के लिए बताया है और एक स्क्रिप्ट पे बाय के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए, निफ्टी फ्यूचर पे आपको 10,800 के आसपास जब निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस आपका 10,845 रहेगा, पहला टारगेट 10,750 और सेकेंड टारगेट आप 10,725 लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर जब नीचे की तरफ आएगा तो आपको 26,600 के आसपास सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस 26,680 रखना है, पहला टारगेट 26,500 और सेकेंड टारगेट 26,400 रहेगा। दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये स्टॉक पे ट्रेड लेने से पहले मैंने एक रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर कल लाइव मार्केट में वो रूल का वीडियो के हिसाब से आपको ट्रेड आ रहा है तो अभी आप वो स्टॉक पे ट्रेड लीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से एंट्री नहीं आ रहा है तो आप वो स्टॉक या निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे आप एंट्री मत कीजिए। दोस्तों आपका कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लीजिए। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो अभी आप नेट नेट हमेशा प्रॉफिट पे रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।